नहीं विजय प्रदेश कार्यकारी को इन्फॉर्मेशन करना होता है जब ओसीडी यूपी से जब आदमी जुड़ जाता है तो वहाँ हम पहले वहाँ सूचना देते हैं प्रदेश स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए ना उसके खिलाफ। पर अब हम अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं उस टाइम तो वो कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, हमसे शिकायत की है तो हमें मौका तो दीजिए। हमने फुल प्रेस मौका दिया भाई, डाक भी भेजा है भाई, रजिस्ट्री भी भेजा है, उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरा उन्होंने फिर संगठन विरोधी कार्य किया उसके बावजूद। सभी मीडिया बंधु का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आपने समय निकाला और यहाँ आए। मैंने महामंत्री महोदय को संजय गुप्ता जी की 21/6/2021 को शिकायत की थी, पूरी समस्त कार्यकारिणी ने शिकायत की थी कि ये रिटर्न में सब दिया हुआ था कि ये संजय गुप्ता जी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आपके स्तर से कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हमको कुछ कहते थे उनको कुछ कहते रहे। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ संजय गुप्ता जी ने एक अभी यहाँ निर्देश पर महामंत्री और दिवाकर सिंह के निर्देश पर नया गठन की व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर की, तो उसकी भी मैंने रिटेन में उनको शिकायत की। मैंने कहा साहब ऐसे इस तरीके से काम हो रहा है, आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई न करते हुए उनको बढ़ावा दिया है, इससे तो जाहिर होता है कि इस संगठन में ओसीडी यूपी में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। अगर उसके उन्होंने बैनर पर भी उनके फोटो इसका इस्तेमाल किया हुआ है, ये पूर्णतः गलत है। डॉक्यूमेंट्री हमारे साथ, फोटो किसी और के साथ, ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। अगर इनके साथ साझा मंच करते हैं वो तो मैं कानूनी लड़ाई के लिए बात करता हूं। अच्छा, क्या कोई दूसरा संगठन जिले में कोई बना नहीं सकता? नहीं, बना सकता है लेकिन एफिलिएशन नहीं दे सकता। अच्छा, एफिलिएशन जिससे फीस गई हुई है वो उसी को 2024 तक हमारे पास है। अच्छा। तो 2024 तक हमारे साथ ही वो रहेगा, जो फीस हमसे 2024 तक और सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अच्छा। तो आप एफिलिएशन नहीं दे सकते, ये एफिलिएशन है ये 2021 से 2024। फोटो भी साझा नहीं कर सकते किसी दूसरे के साथ। जैसा आपने अभी बताया कि वो रजिस्टर्ड संस्था है जो मेयर सहारनपुर रजिस्ट्रार ऑफिस से पंजीकृत है, और जो नया संगठन है उसका तो अभी तक कहीं नामो निशान भी नहीं, संगठन का रजिस्टर तो कहाँ होगा? 2024 से पहले वो किसी को किसी के साथ फोटो साझा भी नहीं कर सकते कानूनन। अगर वो करते हैं तो वो गलत है और हमारे पास कोई सूचना नहीं है, और जिसके साथ साझा मंच करने आ रहे हैं उनके द्वारा तैयारी कराई जा रही है, तो ये कानूनन गलत है। एक साल के अंदर अंदर ऐसी क्या कमी रही, और वो उन्होंने भी संगठन से एक साल पहले संगठन बनाया है, उस संगठन में तमाम खामियां बता रहे थे, वही काम ये कर रहे हैं, तो उनमें इनमें क्या अच्छाई रही? इन्हें संगठन से निष्कासित करने के लिए कार्यवाही कौन करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे या आप? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना, वो हम नहीं चाह रहे थे कि कार्रवाई हो। एक्चुअली लोकल बॉडी है तो लोकल ही कार्रवाई करेगी, हमने उनसे ऊपर होकर कार्रवाई किए थे जब कार्रवाई की गई है और हमारे द्वारा। हमने दोनों की कॉपी प्रदेश अध्यक्ष को भी भेजी और रजिस्ट्रार सहारनपुर मंडल को भी भेजी, क्योंकि मेन रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, तो जो संस्था रजिस्टर्ड होगी उसी से परमिशन लेके फिर दूसरा महामंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कोई रिप्लाई आया? कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। वो तो हमें संज्ञान में आया है कि 7 तारीख को रेडियंट होटल में कोई व्यापार मंडल है उसका मंच साझा करने आ रहे हैं, और उसमें वे महामंत्री बने और संजय गुप्ता जी उसी में महामंत्री बने। उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको एक श्रेय दे रहे हैं। तो इसमें आप दोषी किसे किसे मानते हैं? संजय गुप्ता ने लापरवाही करी। संजय गुप्ता जी तो दोषी है, संगठन विरोधी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो बढ़ावा दे रहे हैं वो भी दोषी है। ये कौन कौन है? सुधीर अग्रवाल जी है संगठन प्रदेश महामंत्री, प्रदेश महामंत्री है हमारे उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर। भाई उनका क्या श्रेय है? हमारे संगठन ने उनको फुल प्रेस का सपोर्ट किया, जब पैसे मांगे पैसे दिए गए, और पैसे इसलिए लिए गए थे उन्होंने कि लखनऊ में, एक्चुअली मैं आपको एक साल पहले ही ये सुरेश गुप्ता जी से अलग होके बने हैं, नया संगठन बनाया सुधीर अग्रवाल जी ने, और पैसे इसलिए लिए गए थे कि लखनऊ में हम ऑफिस खरीदेंगे, उसके लिए पूरा संगठन समर्थन करे और वहां, लेकिन खरीदा नहीं गया, वो एक बहुत सड़ी सी जगह पे किराए पर लिया गया है मात्र, उसमें हमारा 1 लाख का भी सहयोग रहा, उसके बाद जब मेंटेनेंस कराना है 30,000 का फिर सहयोग रहा, फिर लगातार यहाँ कोई खान थोड़ी लग रही है पैसे की।
और उसके बाद भी अलग हो गया आपसे? नहीं अलग नहीं हुए, लेकिन कहीं राजनीति तो खेलने चले में, क्योंकि वो प्रदेश महामंत्री आजमगढ़ के रहने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने 1,00,000 रुपया अपनी अर्शन की तरफ से कार्यालय खुलवाने के सहयोग के लिए उनको हमने प्रदान किया। उसके बावजूद भी फिर लगातार फोन आते रहे कि भाई साहब हमें कुछ और रुपये की आवश्यकता है, मगर बताओ कितना, अब 30,000 रुपये और भेज दो, कुछ कमी रहेगी। हमने 30,000 रुपये पे फोन के द्वारा उनको भेज दिए गए, लेकिन हमें कल परसों ही मालूम हुआ है कि उनके द्वारा किसी नई संस्था का निर्माण मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है महामंत्री के द्वारा, और वो 7 तारीख को मुजफ्फरनगर दूसरी संस्था को एफिलिएशन देने के लिए आ रहे हैं। अगर उन्होंने किसी भी संस्था को इस तरीके से एफिलिएशन मुजफ्फरनगर में दिया तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। ये बात हम आपके द्वारा तमाम केमिस्ट साथियों को बताना चाहते हैं, और आप यहाँ आए हैं, मैं आपका फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष श्री सुभाष चौहान जी मेरे पास हैं, आगे की वार्ता में इसलिए बुलाई गई है, हमारे जो जिला महामंत्री थे वो काफ़ी समस्या गलत गतिविधियों में संलग्न थे, जो संस्था के खिलाफ कार्य कर रहे थे। हम लोगों द्वारा कई बार मौखिक रूप से चेतावनी भी दी गई, भई ये कार्य मत करो, ये गलत कार्य है, वो नहीं माने। पिछली 5-6 मीटिंग हम लोगों ने की, उन्हें आमंत्रित किया, रिटर्न में आमंत्रित किया, उसके बावजूद भी वो किसी मीटिंग में भी नहीं आए। आखिर में फिर दोबारा मीटिंग बुलाकर ये निर्णय लेना पड़ा कि क्यों ना उन्हें संस्था से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हमारी एशन ने ये निर्णय लिया, और संजय गुप्ता जो हमारे जिला महामंत्री थे उनको हमने कार्य मुक्त करते हुए संस्था से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारी जो केमिस्ट स्टेशन है पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्यरत है। हमारी संस्था द्वारा 1 साल पहले OCDUP जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उत्तर प्रदेश संगठन का, आज हमारी प्रेस वार्ता का जो मुख्य मुद्दा है, हमारी संस्था के जिला महामंत्री श्री संजय गुप्ता जी जो पिछले 6 महीने से हमारी एशन की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो रहे हैं, और 4 मीटिंग हम लोगों ने की है। 1 मीटिंग हमने सबसे पहले अर्पण वेंकट हॉल में, माननीय वीरपाल निर्वाल जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बने थे, क्योंकि हमारा जिला परिषद बाजार उन्हीं के अंडर में आता है और हमारे सारे केमिस्ट वहीं हैं, तो हमने उनके अध्यक्ष बनने पर उनका स्वागत किया था, जिसका संचालन महामंत्री को करना होता है। उसमें पहली मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सके, इसके बाद लगातार 3-4 मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया, बल्कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है कि वो अलग कोई संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें वो खुद अपने आप को जिला महामंत्री बनना चाहते हैं। इन गतिविधियों के बारे में हमने 3-4 महीने पहले प्रदेश के पदाधिकारी, अपनी जो केमिस्ट स्टेशन के पदाधिकारी हैं मेनली, जिसमें दिवाकर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, और सुधीर अग्रवाल जी प्रदेश महामंत्री, उनको रिटिन में सूचना दी कि हमारे जिला महामंत्री गलत तरीके से चल रहे हैं, आप हमें परमिशन दें कि या तो ये ठीक कार्य करें या फिर इनको निकाल के हम बाहर करें, क्योंकि ऐसे केमिस्ट स्टेशन नहीं चलेगी। उन्होंने इस पर अपना मौन साधे रखा। हम लोग जो हैं प्रदेश से एफिलेटेड हैं, उनकी मान्यता प्राप्त है, जो उनके नॉर्म्स हैं कि 5100 रुपये की एक ड्राफ्ट बनवा कर हमें प्रदेश के नाम भेजें, 2100 रुपये का एक ड्राफ्ट भेजें, वो हमने भेज दिए। उन्होंने हमें मान्यता प्रदान की, उसका लेटर हमारे पास है, सन 24 तक उनके अनुसार हम उनसे मान्यता प्राप्त यहाँ पर अपने एक्शन को मानते हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि इस पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, और कल ही हमें विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ कि होटल रेडिटन में वो लोग आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री, और उसने कोई एक्शन बनाई है दवा व्यापार संगठन के नाम से, और उसके अंदर वो अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया, प्रदेश अध्यक्ष ने और प्रदेश महामंत्री ने, तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। ये चीज़ हम आज पहले ही, उनके आने से पहले ही,
आपके द्वारा तमाम केमिस्ट साथियों को एक सूचित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और हम अपने केमिस्ट साथियों से आज की इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले आपका स्वागत वंदन करते हुए निवेदन करते हैं कि मुजफ्फरनगर थोड़ा सा समय समय पर बदनाम किया जाता है कि यहाँ नकली दवाओं का भंडार है, नकली दवा है। इससे मेरे कमी साथी दूर रहें, दवा बिल से ख़रीदें, बिल से बेचें, सही व्यापार करें। जिस दवा को हम अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते उसे हमें बेचने का कोई अधिकार नहीं है। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, कहीं भी अगर नकली दवा मिलती है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उठाते हैं, आप उठाने चाहिए। उसके लिए आप सभी पत्रकार बंधु ने इससे पहले भी आपके एसोसिएशन नए बने हैं, आपका हिसाब से पहले भी एसोसिएशन थे, उनमें से टूट के दूसरे एसोसिएशन बनाए, तो दूसरे एसोसिएशन बनाने में क्या आपत्ति है? नहीं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एसोसिएशन एक बने, दो बने, तीन बने, चार बने, लेकिन आपत्ति क्या होती है? हमारे यहाँ एक एफिलिएशन होता है, केंद्र सरकार जो है वो प्रदेश को देती है, प्रदेश में भी तीन संस्थाएँ चल रही हैं और फिर वो जिले को देती हैं, वही एफिलिएशन हमारी कंपनियाँ मानती हैं। आपकी बात, पिछला एसोसिएशन जो बना था आपका, हाँ, उसमें तो आपने एकदम डायरेक्ट बना लिया था, किसी की वो नहीं दी थी। हाँ, हमें एफिलिएशन नहीं दिया गया था, वो एफिलिएशन दूसरी संस्था को था। हमारे पास सुधीर अग्रवाल ने दिया, पहले जो महामंत्री थे वो थे सुरेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता ने दूसरी संस्था को एफिलिएशन दे रखा। हम चार साल लोग बिना एफिलिएशन के रहे, पिछले एक वर्ष से क्या मार्च से हमको हमारी संस्था को एफिलिएशन मिला, तो हम जब से उस पर काम कर रहे हैं। ज्यादा के संगठन की बात है, उठापटक क्यों चलती रहती है? आप कई संगठन बन चुके हैं आपके, इसी उठापटक। देखिए, यहाँ संगठन कई बन चुके हैं, लेकिन उठापटक का तो कारण ये है, कोई भी संगठन होता है व्यापारी हित में कार्य करता है, व्यापारी हित में कार्य करता रहना चाहिए। संगठन नए बनने से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। सिद्धांतिक बात ये होती है कि प्रदेश में भी तीन संगठन कार्य कर रहे हैं, नंबर एक सुरेश गुप्ता जी, नंबर दो राजेंद्र सैनी जी और नंबर तीन सुधीर अग्रवाल जी। कुछ समय पहले, दो वर्ष पहले ऑल इंडिया से एफिलिएशन सुरेश गुप्ता जी को था, उस टाइम रविंद्र चौधरी जी को एफिलिएशन था ऑल इंडिया से, लेकिन एक साल बाद सुरेश गुप्ता जी से अलग होके इन्होंने, सुधीर अग्रवाल जी ने नया संगठन अपना बनाया और ऑल इंडिया ने सुधीर अग्रवाल जी को नया एफिलिएशन दिया। सुधीर अग्रवाल जी से हम जुड़े और हमको इन्होंने 2024 तक एफिलिएशन दे रखा है, लेकिन विशेष सूत्रों से पता चला है संजय गुप्ता जी का विवाद एक से नहीं हरेक से रहा है। संजय गुप्ता जी का विवाद रविंद्र चौधरी से भी रहा है, नरेंद्र चौधरी से भी रहा है, मित्तल साहब से भी रहा है, हमसे भी रहा है। उनका ये जगत महामंत्री बनना चाहते हैं, जो उनके हिसाब से नहीं चलना चाहता उसका साथ छोड़ के नया संगठन का गठन कर देते हैं। जितने भी गठन हुए हैं वो संजय गुप्ता जी के माध्यम से ही हुए हैं। 7 तारीख नहीं, नहीं 7 तारीख को अगर वो आ रहे हैं, देखिए हमसे जो उन्होंने मांगा वो हमने दिया, एफिलिएशन भी दे रखा है उन्होंने, कार्यालय के नाम पे 1,00,000 रुपए मांगे, उसके बाद पैसे मांगे। अगर वो किसी दूसरे के साथ साझा मंच करेंगे तो हम कानूनी रूप से उनका पुरजोर विरोध करेंगे।